आज अगर ज्योति मेरे घर वापस नहीं जाता है तो उल्टा साइड में देख सकते हो गाइस, ओयो है ये वाला जो बिल्डिंग है, ये ओयो है, तो उसको ओयो पे लेके चले जाएंगे। मुझे तो तुम्हारी बाइक पे उठना ही नहीं है। ठीक है मत उठो, तुम पैदल जाओ, तुम पैदल जाओ, नहीं उठनी है, तुम पैदल जाओ ना मेरे घर जाओ पैदल। किसी दिन देखना तुम्हारी तरह 10 बाइक में खरीद लूंगी। गाइस देख सकते हो ज्योति यहाँ पे खड़ी है और खड़े खड़े ज्योति ये वाला चीज खा गया है। यार क्या बियर खाया है ज्योति ने, बोल रहे कि आज हम सोच के ही आए थे अगर तुम मेरा घर नहीं जाओगी तो मैं तुमको उस जगह पे लेके चला जाऊंगा। क्या है वो बताओ। सो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एस एम मोटो ब्लॉग्स। तो गाइज कैसे आप लोग, होप करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया हो। और फिलहाल के लिए मैं थोड़ा बहुत बढ़िया हूँ और दो चार दिन से मेरा चैनल में कुछ भी अपडेट नहीं आया, ना शॉर्ट्स छोड़ा मैंने, ना कोई वीडियो अपलोड किया। तो गाइज इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, तो गाइज वो कारण यही है कि हमारा मतलब इधर वेदर चेंज हुआ है, मतलब गर्मी से अभी ठंड पड़ रहा है, तो इसी कारण से मुझे जुकाम हो गया था और मतलब ज्योति को भी जुकाम हो गया था। मैंने फ़ोन पे ज्योति से बात किया, जितना उतने में मुझे समझ में आया कि ज्योति को भी जुकाम हो गया था, तो इसी कारण से हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि हम लोग मुलाकात ही नहीं कर पाए थे गाइज। तो गाइज आप लोग जो जानते हो कि हमारे बीच में एक झगड़ा हुआ था जिसको लेकर मतलब ज्योति मेरा घर छोड़ के चला गया था और एक रिलेटिव के घर चला गया था। तो गाइज वो झगड़ा अभी तो मतलब थोड़ा बहुत ठीक हो गया है और मैंने ज्योति से लास्ट दो तीन दिन में बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। तो गाइज आज हम ज्योति को लेने के लिए जा रहे हैं, घर वापस लेके ही आएंगे। तो देखते हैं गाइज ज्योति मेरे साथ घर वापस आता है कि नहीं। मैंने उसको बोला है कि मतलब पूरा सब कुछ रेडी होके आना, अपना बैग वगैरह सब कुछ लेके आना। तो गाइज आज देखते हैं मतलब ज्योति मेरे पास वापस आता है कि नहीं आता है। मतलब आज तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, सुबह से मैंने कॉल करके उसको बार बार बोल रहा हूँ कि आ जाओ, मेरा तबीयत खराब है और ऊपर से उसका भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि इधर आ जाओ। अगर इधर आ जाएगा तो मैं भी उसका ध्यान रख पाऊंगा और वो भी मेरा ध्यान रख पाएगा। और फिलहाल के लिए अभी हम रेडी सेडी होकर निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। चलिए गाइस। तो गाइस फाइनली मैं बस स्टैंड पे पहुंच चुका हूँ। आज थोड़ा बस स्टैंड से पहले हम रुके हैं, ज्योति को इधर ही पैदल आने के लिए बोल दिया है, ज्योति आ रहा है। आज अगर ज्योति मेरे घर वापस नहीं जाता है तो उल्टा साइड में देख सकते हो गाइस, ओयो है ये वाला जो बिल्डिंग है, ये ओयो है, तो उसको ओयो पे लेके चले जाएंगे, यही बात है। तो देखते हैं गाइस आज ज्योति घर जाता है कि नहीं जाता है। अगर नहीं जाता है तो पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोगों को कि हम ज्योति को ओयो लेके चले जाएंगे। तो गाइस अभी देखते हैं ज्योति आता है, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। चलिए गाइस। गाइस देख सकते हो फाइनली अभी ज्योति आ गया है। और तुम्हारा बैग कहाँ पे है? कैसा बैग? अरे जो बैग मेरे घर से लेके गई थी। क्यों बैग क्यों लाऊं मैं? जिसमें तुम्हारा कपड़ा वगैरह था। हाँ तो कपड़े तो घर में भी है, सारे कपड़े क्या मैं लेके चली गई थी वहाँ पे, घर पे तो है कहीं। अरे तो वहाँ पे क्यों रख के आई हो यार? क्योंकि मुझे जाना है ना। क्या आज तुम मेरे घर जाओगी, हाँ या ना ये बताओ? हाँ जाऊंगी, तो जाने के लिए आई हूँ मैं। हाँ जाने के लिए तो आई, तुम्हारा तबीयत खराब है तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आना चाहिए, इसलिए आ गई। और मेरा भी खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। अभी मेरा घर पे ही रहोगी ना? उसके बाद मैं सोचूंगी, पहले तुम ठीक हो जाओ उसके बाद मैं देख। नहीं नहीं ऐसे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा ठीक, मेरे घर पे ही रहना पड़ेगा परमानेंटली। यार बोला दो दिन बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद बोलोगी मैं चला जा रहा हूँ उधर फिर से, ये सारा कुछ अभी नहीं चलेगा। अभी मैं तुम्हारा टेक केयर करने जा रही हूँ। क्या टेक केयर करने? तुम खुद का भी टेक केयर लेने जा रही हो, ठीक है? किससे लूंगी? मुझसे लोगी? हाँ तुम तुम अगर मुझे टेक केयर करने आओगे तो मतलब तुम्हारा गले का वॉइस पूरा चेंज हो गया है, पता है? हाँ, वो और शायद से मेरा भी हो गया है। नहीं तुम्हारा नहीं हुआ। तुमको नहीं लगेगा, मेरा तबीयत खराब होगा तब भी तुम्हें नहीं लगेगा, लगेगा ये बंदा तो ठीक ही है। ऐसा है इसलिए मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर में। वो तो बहुत बार मैंने तुमको बुलाया है इसीलिए तुम आए हो। अच्छा तुमने बुलाया है, झूठ क्यों बोल रहे हो कैमरे में? मैंने तुमको फोन पे नहीं बुलाया। शट अप शट अप, झूठ मत। ऐसे बुलाया है कि घर आ जाओ, पर तबीयत खराब है, मेरा टेक केयर करने आया, ऐसे तो नहीं बुलाया है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हारा तबीयत खराब है और मेरा भी बहुत ज्यादा खराब है इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन रह लूं तुम्हारे साथ, मतलब तुम ठीक हो जाओ उसके बाद हमारे साथ मेरे साथ रहो, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी जब तुम भाग जाओगी फिर। यार मैं क्या अपनी वजह से आ रही हूँ, मैं फिलहाल के लिए ठीक हूँ, ठीक है? तुम्हारे वजह से आ रही। तुम्हारे आने से पहले एक चीज किया मैंने, पता है? क्या दिखाओ? क्या गाइस हम थोड़ा दिखाते हैं, ज्योति के आने से पहले एक चीज मैंने पिया था, वो देख सकते हो गाइस, ये है वो चीज, पता है? पता है क्या? गुड। अब बोलो क्या? गुड। वेरी गुड।
किस लिए? मेरा गाड़ी क्या तुम्हारा दुश्मन है ये बताओ? हा? मेरा गाड़ी तुम्हारा दुश्मन है ये बताओ? क्यों? गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, जब से ज्योति आता है, मतलब जब जब ज्योति मिलने आता है, कभी इस मिरर को मतलब घुमा देता है, ठीक है, और कभी अपना बैग इधर लटका देता है। देख सकते हो गाइस, मेरा ये लीवर प्रोटेक्टर में ये बैग लटका दिया है, तो मेरे को बार बार गैरेज जाना पड़ता है इसी कारण से कि ये सारा कुछ मेरा गाड़ी में ढीला होता ही रहता है, और उसका कारण है ये ज्योति। यार मुझे तो तुम्हारी बाइक पे उठना ही नहीं है। ठीक है मत उठो, तुम पैदल जाओ, तुम पैदल जाओ, नहीं उठनी है, तुम पैदल जाओ ना, मेरे घर जाओ पैदल। किसी दिन देखना तुम्हारी तरह 10 बाइक मैं खरीद लूंगी, ज्यादा हो गया। क्या क्या खरीदोगी? कुछ ज्यादा हो गया। वो वाला वीडियोस वगैरह देखते हो ना? कौन सा? ये बाइक अच्छा नहीं है बोलता है बंदा और उतार देता है बीच रास्ते में। हाँ तो मैं उठूंगी ही नहीं, मैं उठूंगी ही नहीं। तुम दस तुम मेरी तरह दस बाइक, सुनो सुनो, मेरी तरह 10 बाइक खरीदोगे ना, तो अभी उस 10 बाइक करके मेरा घर जाना, ठीक है? मेरा बाइक पे मत चल। हाँ ठीक है, गाड़ी खरीद लूंगी तब जाऊंगी, तुम अपने नहीं नहीं अभी जाना अपना 10 बाइक। यार खरीदने, यार मैंने कब कहा कि अभी खरीद पाऊंगी, मैंने कहा खरीद लूंगी, ऐसे कहा? तुम बहुत पतली हो गई हो पता है। क्या? हाँ तो अच्छी है ना? क्या अच्छी है? तुम्हारा वॉइस पूरा चेंज हो गया है, बात करने में क्या अजीब सा लग रहा है यार। मैंने वॉइस चेंज किया, वॉइस चेंज किया है ना अपना? अपना वॉइस मैंने कुछ चेंज सर्जरी किया है ना? हाँ पहले वाला वॉइस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने। तो गाइस देख सकते हो, मतलब ये ज्योति का ये वर्सन आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। कौन सा वर्सन? मतलब ये वॉइस का ये क्यों आ रहे हो ऐसे कैमरा लेके? ठीक है दूर रहा करो, ठीक है दूर रहा करो मुझसे। अच्छा चलोगे कि यहाँ पे ये सब बातें करोगे? अच्छा कुछ ट्रीट वगैरह दोगे या नहीं दोगे ये बताओ? कैसे ट्रीट? किस चीज का ट्रीट? तुमको लेने आया हूँ इसी चीज का ट्रीट। क्योंकि मैं भी तो तुम्हारा ध्यान रखूंगा ना। तब तो हो गया, तब तो मैं मतलब दो दिन में ही। गाइस देख सकते हो ज्योति यहाँ पे खड़ी है, और खड़े खड़े ज्योति ये वाला चीज खा गया है। यार क्या बियर खाया है ज्योति ने? हाल खाई हूँ। बियर खाते नहीं पीते हैं। अच्छा अच्छा बियर पिया है, पीते है। हम बंगाली बोलते है ना इसलिए कभी कभार हिंदी जो हिला हुआ है वो ठीक करो। हम बंगाली में खाना वाना बोलते है ना इसलिए खाते हुए बोल दिए बस। हम बंगाली में गाइस सब कुछ खाना बोलते हैं, तो इसीलिए मतलब बियर भी खाना हो गया, यही बात है। जो लोगों को बोल ध्यान से, इतना तबीयत खराब है अकेले अकेले ही मतलब गुलाटी मार रहे हो तुम। नहीं नहीं मैं जो बोल रही थी कि तुमने अभी बोला ना कि तुम मेरा टेक केयर करोगे, अगर तुम मेरा टेक केयर करने आए तो मैं कभी नहीं ठीक होंगी। हाँ एक बियर पिलाया तो अभी तुमको पी है मैंने, ठीक है शांति मिल गई। और एक बात बोलना था तुमसे। हाँ बोल रहे कि आज हम सोच के ही आए थे, अगर तुम मेरा घर नहीं जाओगी तो मैं तुमको उस जगह पे लेके चला जाऊंगा। क्या है वो बताओ? तुम्हारा ना दिमाग खराब है। अच्छा चलो घर चलते हैं, लड़की को लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलो गाइस अभी हमारा बियर हो गया फिनिश, तो गाइस देख सकते हो ये बियर हमने फिनिश कर दिया है, मैंने और ज्योति ने मिलकर। इतने दिन से थे कहाँ पे? बहुत लोग ऐसे आके बोले दीदी वीडियो नहीं आएगा चैनल में, क्या क्या हमारा चैनल में? तुमको तो अच्छे से पता है हम कहाँ पे थे। गाइस को बता दो, हमने बता दिया है पहले ही, बता दिया वीडियो के शुरू में ही बता दिया है, तो फिर भी एक बार बता देते हैं गाइस। गाइस हमने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब था अभी 4-5 दिनों से, इसीलिए वीडियो नहीं आया हमारा। और मेरा और गाइस ज्योति का भी मतलब 4-5 दिन से हमारे ऐसा नहीं है, वो हमने चेंज हो रहा है ना, इसलिए सबको ही ऐसा हो रहा है। मतलब मेरा बहुत सारा दोस्तों को भी मतलब जुकाम वगैरह भी हो रहा है। गाइस आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिए कि और जो जो बंदे वो ईस्ट बंगाल पे ध्यान से रहिए सब लोग सेफ्टी के साथ। क्या 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 ना हो जाए? कोल्ड। अच्छा कोल्ड ना हो जाए, हमने सुना कोरोना ना हो जाए। तो गाइस यही सारा बात है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से रहना क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो कोल्ड होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सेफ रहना, और हमेशा घर से जब अच्छा, निकलना तो मोटा सा जैकेट पहन के निकलना। हो गया सब कुछ हो गया, ज्ञान देना उन लोगों को पता है कैसे चलना है कि नहीं, तुम्हारे जैसे सारे नहीं। गाइस एक बात आप लोगों को बता दे कि
कि ठंड का मौसम शुरू नहीं हुआ इसे पता नहीं कितनी बार कोल्ड हो गया था। पिछले कई बार भी हुआ था तो कम था, इस बार तो ज्यादा हो गया। मुझे लग रहा है गाइस इस बार तो मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। इतना क्यों होता है? मेरा यूट्यूब जानने में बहुत सारा टाइम मेरा ऐसा भी था कि मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन तब भी मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन इस बार ज्योति का और मेरा साथ में खराब हो गया, इसीलिए वीडियो नहीं आ पाया 5-6 दिन से। और अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, इसीलिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। और ज्योति मतलब ज्योति को आज घर लेने के लिए आए हैं। क्यों खराब होता है तुम्हारा तबीयत? और गाइज आप लोगों को एक और बात बताते हैं हम, जो कि है ये जो बियर देख रहे हो, हम जब आए थे तभी यहाँ पे पड़ा हुआ था, गिरा पड़ा था। आप लोगों ने शायद से फॉलो किया है, ये हमने नहीं पिया है क्योंकि हम बियर पीते नहीं है। क्यों बोल रहे हो? तुमने तो पिया है। अच्छा हमने पिया। कैमरे के सामने शरीफ मत बनो ज्यादा। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, सबको पता है हम जब आए थे तब से ही उधर वो पड़ा हुआ था, ठीक है। और ये बियर तुमने पिया है? पी के या पे रखा था उसके बाद? अच्छा अभी तक पीता तो तुम मतलब मेरे साथ घर वापस जाती, ये बताओ पहले। तो गाइस यही सारा कुछ था वीडियो में। और गाइस मैं सोच के ये आया था कि ज्योति शायद से नखरा दिखाएगी, घर वापस नहीं जाएगी, लेकिन ये तुम्हारा तबीयत खराब है इसलिए जा रही हूं नखरा। तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग देखते हैं, घर पे ही बना सकते हैं तो घर पे बनाएंगे, और अगर घर पे नहीं बनाते हैं मतलब तबीयत थोड़ा बहुत ठीक रहता है तो हम बाहर आके ही बनाएंगे। और आप लोग अभी देख सकते हो थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया है, तो इसी के साथ वीडियो एंड कर देते हैं। ज्योति को आज अपना घर लेके जाएंगे। तो गाइस मुद्दे की बात ये है, ये आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा है कि मैं घर जा रही हूँ, सीधा सीधा ये बोलो। तो ज्योति घर जा रहा है यही आप लोगों को दिखाना चाहते हैं इस वीडियो में। तो इसके साथ ये वाला वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। ज्योति तुमको कुछ बताना है तो बता सकते हो। हाँ तो गाइस मैं भी बोलना चाहती हूँ, आप लोग बहुत लोग ही ऐसे बोल रहे थे कि ज्योति घर जाओ ऐसे करके मुझे बोल रहे थे। तो फाइनली गाइस इसका तबीयत खराब हुआ है, इस वजह से मैं जा रही हूँ, तो उसके बाद का बात में देखेंगे। तो गाइस अब से रेगुलर वीडियो आएगा क्योंकि इसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब। अब से रेगुलर वीडियो आएगा क्योंकि ज्योति मेरे पास रहेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर क्योंकि हम दोनों में क्योंकि हम दोनों साथ में ही वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। दोनों में से एक का भी अगर तबीयत सही रहता ना तो वीडियो आ सकता था, पर दोनों का ऐसा तबीयत खराब था ना, सिचुएशन नहीं था इसलिए नहीं आया। पर अब से मैं तो थोड़ी ठीक हूँ ना, तो आएगा वीडियो। तो गाइस ये वाला वीडियो कैसा लगा मैं ठीक कर दूंगी गाइस। तो गाइस ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करते जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है कोई नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।